ये हमारा एहसास है कि हमारे दरमियान मुमताज मजहबी स्कॉलर डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा मुमताज मजहबी स्कॉलर डॉक्टर अब्दुल रहमान हाशमी साहब की बेटी और अलहुदा इंटरनेशनल की बानी हैं। इन्होंने ग्लासगो यूनिवर्सिटी स्कॉटलैंड से हदीस साइंसेज में PhD की डिग्री हासिल की और नामवर मजहबी स्कॉलर जिन्हें शेखुल हदीस शम्सुल हक और मौलाना अब्दुल गफ्फार हसन शामी ने से इजाजा हासिल किया। मैं डॉक्टर साहिबा से दरख्वास्त करूंगी कि वो हमें अपनी कीमती नसीहतों से नवाजे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सद्री व यस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। मुझे जो मौजूद दिया गया है बात करने के लिए वो है मिसाली माँ। आप में से माशाल्लाह कुछ तो माएं बन चुकी हैं और कुछ शायदा बनने वाली हैं। माँ बनना एक ऐसा मकाम और दर्जा है जिससे औरत की तकमील होती है, यानी औरत अपनी जिंदगी में जो चाहे कर ले, कुछ भी बन जाए, वो डॉक्टरेट कर ले, वो किसी मुल्क की प्राइम मिनिस्टर बन जाए, वो कुछ भी कर ले, तो उसको वो मकाम वो दर्जा नहीं मिलता जो एक माँ बनकर मिलता है। औरत के लिए सबसे अहम तरीन नेमत और बेहतरीन जिम्मेदारी एक माँ की जिम्मेदारी और बेहतरीन नेमत औलाद की नेमत। औलाद का मिलना अल्लाह ताला की तरफ से एक खुशखबरी होता है जिसके बारे में सूरत मरियम में आता है, या ज़करिया इन्ना नुबशिरुका बिगुलामिन इस्मुहु यहया। ऐ ज़करिया, हम तुझे एक लड़के की खुशखबरी दे रहे हैं जिसका नाम यहया होगा। गोया जब औरत हामिला होती है तो उसे एक खुशखबरी समझा जाता है, खुशी की बात समझा जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त भी सब खुश होते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जाहिलियत के कुछ लोग जब उन्हें बेटी की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई जाती है, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्था ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, तो उस वक्त उसका चेहरा स्याह पड़ जाता है और वो गम से भर जाता है। ये दौर जाहिलियत की बात। आज भी कुछ लोग ऐसी जाहिलियत का सबूत देते हैं, लेकिन एक मोमिन माँ, एक मोमिन बाप, एक मोमिन ईमान वाला खानदान, बेटा हो या बेटी हो, दोनों को ही रब की नेमत समझते हैं, अल्लाह की तरफ से एक अतिया समझते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से एक बख्शिश समझते हैं और उसको आंखों की ठंडक समझते हैं और इसके लिए दुआएं भी करते हैं। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत आयुन। ऐ अल्लाह, हमें अपनी अजवाज और औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक अता कर, यानी इंतहाई खुशी और सुरूर का बायस होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन और हुसैन को फूल करार दिया था। फरमाया, हुमा रैहानताया मिन दुनिया, ये दोनों दुनिया में मेरे दो फूल हैं। ये फूल एक खूबसूरत चीज होती है जिसे इसको देख इंसान का दिल खुश हो जाता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुम को फूल करार दिया। औलाद को इंसान की बेहतरीन कमाई करार दिया गया, जो कुछ भी वो एक्वायर करता है, हासिल करता है, कमाता है दुनिया में, उनमें सबसे बेहतरीन चीज उसकी औलाद होती है, क्योंकि वो दुनिया में उसके लिए सत्ता जारिया का बायस होती है, ये मोमिन की बात करें, और आखिरत में दर्जात की बुलंदी का बायस होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो तीन अमाल के अलावा तमाम अमाल मुनक़ते हो जाते हैं, सत्ता जारिया, इल्म जिससे फायदा उठाया जाए, और नेक औलाद जो उसके लिए दुआएं करे। मरने के बाद इंसान के लिए दुआओं का, नेकियों में इजाफे का सिलसिला उसकी औलाद जारी रखती है। इसलिए बच्चे की पैदाइश पर, उस पर आने वाली जो तकलीफें होती हैं, एक माँ जो वाहन नला वाहन से गुजरती है, उस पर कभी परेशान नहीं होना चाहिए और उस पर नाराज नहीं होना चाहिए और उसे अपने लिए मुसीबत नहीं समझना चाहिए, बल्कि खुशी खुशी ये सारे बदल तय होने चाहिए कि ये अल्लाह सुभान व तआला की तरफ से एक रहमत है जो मेरी तरफ आ रही है। तो जहां वो रहमत होती है, खुशखबरी होती है, वहां औलाद एक जिम्मेदारी भी होती है कि उसकी सही तरबियत की जाए,
क्योंकि क़यामत के दिन इंसान से अपनी औलाद के बारे में भी पूछा जाएगा, ख़ुसूसन माँ से। यानी बाप भी है लेकिन माँ की जो रियाया है वो उसकी औलाद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर शख्स निगरान है और उससे उसकी रैयत के बारे में सवाल किया जाएगा। इमाम जो लोगों पर निगरान है उससे उनके मुतल्लिक सवाल किया जाएगा। आदमी अपने घर वालों पर निगरान है उससे उनके बारे में सवाल किया जाएगा। औरत अपने शौहर के घर और उसके बच्चे की निगरान है। ये बात सारी खवातीन कान खोल के सुन ले। औरत अपने घर और बच्चों की निगरान है और उससे इनके बारे में सवाल किया जाएगा कि उसने इनकी सही तालीम और तरबियत और उनकी परवरिश के लिए क्या रोल अदा किया, क्या मेहनत की, क्या कोशिश की। तो आप जिंदगी में कुछ भी कर लें, बड़े बड़े काम कारनामे कर लें, नेकी के बड़े बड़े काम, लेकिन आपकी जिस जिम्मेदारी के बारे में आपसे पूछ होगी वो आपके बच्चे हैं। इसलिए औरत कहीं पर भी हो उसे अपनी जिम्मेदारी को भूलना नहीं चाहिए। और जो मिसाली माँ होती है उसकी बेहतरीन खूबी यही होती है कि वो बेहतरीन नस्ल की अमीन होती है, उसके हाथों बेहतरीन नस्ल परवान चढ़ती है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक औरत से शादी करने की तरगीब दी कि औरत से चार चीजों के बिना पर शादी की जाती है। तुम दीन वाली को इख्तियार करो, तरबतियादार तुम्हारे हाथ खाक आलूद हो, फसफिर बिजातती, ये लफ्ज बड़े खूबसूरत है, फसफिर बिजातती, कामयाबी हासिल करो दीन वाली के जरिए, यानी इसमें तुम्हारी भी कामयाबी है, तुम्हारा भी भला है, तुम्हारा भी फायदा है। यानी मर्द के लिए जो खुशकिस्मती की बात है वो उसका बहुत ज्यादा माल और दौलत होना नहीं है, बहुत अच्छा कारोबार और बहुत अच्छी जॉब नहीं, उसके लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात नेक बीवी होना है और फिर उसके जरिए नेक औलाद का प्रभाव चढ़ना है। मिसाली माँ बच्चों पर शफकत करने वाली होती है, बच्चों के लिए मेहरबान होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊंट पर सवार होने वाली औरतों में सबसे बेहतरीन कुरैशी औरतें हैं, अपने बच्चे पर सबसे ज्यादा मोहब्बत और शफकत करने वाली। तो माँ का क्या किरदार है, उसका सबसे नुमाया पहलू क्या होना चाहिए कि वो बच्चे के लिए मेहरबान हो, जालिम ना हो, सख्त मिजाज ना हो, हर वक्त डांट डपट करने वाली और झिड़कियां देने वाली और मार पिटाई करने वाली और बद्दुआएं देने वाली ना, क्योंकि बच्चे बहुत सताते भी हैं ना, तंग करते हैं। तो बेहतरीन माँ कौन है, कौन है बताइए, कौन है बेहतरीन माँ हमारे दीन की रोशनी से, जो सबसे ज्यादा शफीक हो, मेहरबान हो। और वैसे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हम में से नहीं जिसने हमारे छोटों पर शफकत नहीं की और जिसने हमारे बड़ों की इज्जत नहीं की। माँ की मेहरबानी तो हम सब जानते हैं कि कैसी होती है। इसके बारे में बेहतरीन मिसाल वो मिलती है हमें, जो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक औरत आई जिसने उनको उनसे कुछ मांगा, तो उनके पास तीन खजूरें थी। हजरत आयशा ने वो तीन खजूरें उनको दे दी, तो उनके साथ दो बच्चे भी थे, उसने अपने दोनों बच्चों को एक एक खजूर दी, तीसरी अपने लिए रख ली। बच्चों ने जल्दी से खजूरें खा ली अपने अपने और अपनी माँ की तरफ देख रहे थे। उसने तीसरी खजूर के दो टुकड़े किए अपने दोनों बच्चों को दे, तो खुद भूखी रही। ये होती है माँ, और माँ से ऐसी ही शफकत और मोहब्बत और खैर मतलूब होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए तो हजरत आयशा ने उनको ये वाक्या बताया। आपने फरमाया, ऐसे ताज्जुब की कोई बात नहीं, अल्लाह ने उस पर रहम किया इस वजह से कि उसने अपने दो बच्चों पर रहम किया। यानी माँ अगर अपने बच्चों के साथ भी मेहरबानी कर रही है, अपना पेट काट के उनको खिला रही है, तो इस बिना पर भी वो अल्लाह सुभान व तआला से अजर पाती है। एक तरह तो फितरी जज्बे के तहत हम बच्चों के साथ मेहरबानी करें और एक ये है कि हम अल्लाह की खातिर करें ताकि अल्लाह सुभान व तआला से उसका अजर पाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जब अल्लाह ताला किसी घराने वालों से खैर का इरादा करता है, उनको कोई भलाई देना चाहता है, तो उनमें नरमी पैदा कर देता है,
वो सब एक दूसरे के लिए मेहरबान हो जाते हैं, केयरिंग हो जाते हैं, एक दूसरे से प्यार करने वाले होते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखने वाले होते हैं। फिर इसी तरह माँ की बेहतरीन खूबी यह है मिसाली माँ की कि वो साबिर और शाकिर हो, सब्र करने वाले। अगर शोहर की तरफ से कोई अजियत पहुंचती है तो उस पर भी सब्र करे, अगर बच्चों की तरफ से कोई अजियत पहुंचती है तो उस पर भी सब्र करे। और ये सब्र उस वक्त हो सकता है जब वो नेमतों को याद रखेगी, शुक्र अदा करे। यानी शुक्र के बगैर सब्र नहीं हो सकता। आप शुक्र कर, यानी वो चीजें देखे जो आपको मिली हुई है तो वो गम कम हो जाएंगे उन चीजों का जो आपको नहीं मिलेगी। अगर आपको अपने आप को मिलने वाले आराम और बेहतरीन चीजें याद रखें तो जो चीजें आपके लिए तकलीफ का बायस है उनकी तकलीफ कम हो जाएगी। फिर इसी तरह मिसाली माँ की खूबी होती है कि वो बदजबानी नहीं करती, बदजबान नहीं होती, बद अखलाक नहीं होती। एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी बीवी है उसकी जबान में कुछ है, यानी बदजबान है। आपने फरमाया तो उसको तलाक दे दो। उसने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा उसका एक मुद्दत से साथ है, हमने काफी जिंदगी इकट्ठी गुजारी और एक बच्चा भी है उससे। आपने फरमाया उसको नसीहत करो, अगर उसमें कुछ खैर भलाई होगी तो समझ जाएगी, और ऐसे मत मारना उसको जैसे कोई अपने गुलाम को मारता है। अपनी बीवी को समझाने के लिए मारना नहीं, सख्ती नहीं बरतना। इसी तरह मिसाली माँ लान तान नहीं करती, गाली गलौज नहीं करती। मोमिन फहश को बेहूदा को नहीं होता, ताने नहीं देता किसी को, और बच्चों की तरबियत के लिए उनकी गलतियों पर दरगुजर करनी चाहिए, ताने नहीं देने चाहिए, उनको बुरा भला नहीं कहना चाहिए। फिर इसी तरह मिसाली माँ जन्नत की औरतों की खसूसियत यह है कि वो कसीरुल औलाद होती है, इन्हें उनके बच्चे ज्यादा होते हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करती, ज्यादा बच्चों की परवरिश करती। और जितने बच्चे ज्यादा होंगे और जितने ज्यादा वो नेक होंगे उतना ही ज्यादा उनके लिए अजर सवाब होगा। फिर इसी तरह अगर औलाद को कोई तकलीफ पहुंचे, बीमारी हो या फौत हो जाए तो उस पर सब्र करना, ये भी मिसाली माँ की खूबियों में से होता है। हज़रत उम्मे सुलैम का वाकया आप सबको मालूम है कि किस तरह जब उनके शौहर सफर पर गए तो उनका बच्चा बीमार था, जब वापस आया तो बच्चा फौत हो चुका था। उन्होंने बच्चे पर चादर डाल दी और शौहर का बेहतरीन तरीके से इस्तकबाल किया, उनको खुश किया। जब शौहर ने पूछा कि बच्चे का क्या हाल है तो कहने लगे पहले से बेहतर है। जब उनको खिला पिला चुकी, उनको खुश कर चुकी तो उसके बाद उनसे पूछती है कि अगर कोई शख्स आपके पास अमानत रखे और फिर वो अपनी अमानत वापस लेना चाहे तो क्या आप नाराज हो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। कहा अल्लाह ताला ने जो बच्चा आपको दिया था वो आप अल्लाह की अमानत था आपके पास, वो अल्लाह ने वापस ले लिया। न सिर्फ ये कि खुद सब्र किया बल्कि शौहर को भी सब्र करना सिखाया। और आज की माँ का क्या हाल है कि छोटी सी तकलीफ हो बच्चों को तो उस पर आपे से बाहर हो जाती। फिर इसी तरह बच्चे की तरबियत बचपन से शुरू कर देती है, माँ के पेट से शुरू हो जाती है। उनको अल्लाह की रजा और अल्लाह की इताअत के मुताबिक ढालते हैं। हजरत मरियम की वालदा ने किस तरह अपने पेट के बच्चे को अल्लाह की नजर किया था, किस तरह उनको हैकल में छोड़ा था, किस तरह उनके दीन की फिक्र की थी, वो सारा वाक्य आपको मालूम होगा। फिर इसी तरह बच्चे की पैदाइश से लेकर बच्चे के बड़े होने तक, जवान होने तक, हर हर लम्हे हर हर मोड़ पर वो उसको शर से, शैतानी कुव्वतों से बचाती है। मुझे बेहद खुशी हुई कल ही एक माँ मुझे मिली, वो सब बहुत ज्यादा कंसर्न थे अपने बच्चे की तरबियत के बारे में कि मैं जिस घर में रहती हूँ वहाँ टीवी भी है, वहाँ और खराफात भी है, तो मैं किस तरह अपने बच्चे को इन सारी चीजों से बचाऊं। क्योंकि आजकल बाजू का ये भी होता है ना कि लड़की दीन को समझने वाली है लेकिन ससुराल दीन को समझने वाला नहीं, बड़ी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि बच्चे दादा दादी के देखते हैं, बड़े हैं वो सारा वक्त टीवी के आगे बैठे वक्त गुजार रहे हैं, बच्चे उनकी गोद में जा बैठते हैं, माँ तो काम कर रही है, ऐसे में तरबियत की बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो मिसाली माँ जो होती है वो बचपन से ही बच्चों को शर से, खराब चीजों से, ऐसी चीजों से जो उनकी तरबियत में खलल डालने वाली हो उनसे बचा के रखती है। फिर इसी तरह बेहतरीन अखलाक और किरदार सिखाती है,
जैसे हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बाप नहीं है, माँ और बेटा ही है, और वो मक्का जैसी वादी पे है जहाँ और असरात नहीं है किसी चीज के। देखिए कैसा अदब, कैसा एहतराम, कैसा अखलाक, कैसी इताअत सिखाती है कि जो बहुत अरसे के बाद बाप आता है और वो बच्चे को अपना ख्वाब सुनाता है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, तो बेटा क्या कहता है, या अब मां तो उमर अब्बा जान आप जो जी चाहता कर ले, सतजुदनी इंशाअल्लाह नस्ताबिरी, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। यानी ऐसी इताअत कि अगर अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है ज़बह करने का तो मैं हाजिर हूँ। ऐसे इताअत गुजार बच्चे क्या आज है? अगर बाप मसलन दूसरे मुल्क कमाने चला गया है या माँ से दूर है तो अमूमन माएं जेन खराब करती रहती है, तुम्हारे बाप को तो परवाह ही नहीं है, सारी मुसीबत मेरे सर है, मैं ही तुम्हारा सब कुछ कर रही वगैरह। इन चीजों से बचना चाहिए, इसलिए इससे फायदा कुछ नहीं। बच्चा अगर बाप से बदजन होगा तो माँ को भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो इज्जत और एहतराम का जो रिश्ता है उसको पामाल कर रहा है। तो इसी तरह मिसाली माँ जो होती है वो बच्चे को अपना दूध पिलाती है, डब्बे के दूध को नहीं पालती और उसके लिए कोशिश करती है। इस सिलसिले में एक हदीस याद रखें जो आपको फायदा देगी। अब हुमामा कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मेरे पास दो आदमी आए, उन्होंने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे एक दुश्वार गुजार पहाड़ के पास ले गए। उन्होंने मुझे कहा इस पर चढ़ो, मैंने कहा मुझे इतनी ताकत नहीं कि मैं इस पर चढ़ सकूं। उन्होंने कहा हम तेरे लिए आसान कर देंगे। सो मैंने चढ़ना शुरू किया, जब मैं पहाड़ की चोटी पे पहुंचा तो शदीद किस्म की आवाजें सुनाई दी। मैंने पूछा ये आवाजें कैसी? उन्होंने कहा ये जहन्नमियों की चीख पुकार। वो मुझे लेकर आगे बढ़े, हम ऐसी औरतों के पास से गुजरे कि सांप उनके पिस्तान नोच रहे थे, पिस्तान चेस्ट नोच रहे थे, काट रहे थे सांप। मैंने पूछा ये औरतें कौन है? तो उन्होंने कहा ये अपने बच्चों को दूध न पिलाने वाली औरतें हैं, ये वो औरतें जो अपने हुस्न की खातिर अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती थी। कितनी सख्त बात। फिर इसी तरह बच्चों के खाने पीने की फिक्र करना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कैसी कैसी दुआएं मांगी थी कि अल्लाह ताला इनको फलों का रिज़्क़ अता करे। फिर इसी तरह हिंद जो थी अबू सुफयान की बीवी, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि मेरे शोहर इतना नहीं देते जो मेरे और बच्चों के लिए काफी है, तो मैं उनके माल में से कुछ ले सकती? तो आपने फरमाया जो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए जरूरत है वो तुम ले सकती। फिर इसी तरह बाज़ुकात माँ पर कमाने की जिम्मेदारी भी आ जाती, कभी शोहर फौत हो जाता है या उसके पास कोई कारोबार नहीं होता, ये तो ऐसी मसरूफियत होती। जैसे अब्दुल्ला बिन मसूद की बीवी, वो अपने हाथ से काम करती थी और अपने शोहर पर भी खर्च करती थी और अपने बच्चों पर भी खर्च करती थी। ऐसी सहाबियात की मिसालें मुझे मिलती। अगर जिंदगी में कोई ऐसा मौका आ जाए तो सिर्फ अपनी किस्मत को ना कोसते रहे, सहाबियात ने खुशी खुशी ये काम किया। आम हालात में तो इसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन कभी ऐसे हालात आ जाते हैं तो उसमें भी सब्र और शुक्र करना चाहिए। क्योंकि जिस मुसलमान की तीन बेटियां हों और वो उन पर खर्च करे, वो उनके मामले में अल्लाह से डरे, उनके साथ अच्छा सलूक करे, तो वो उसके लिए आग से रुकावट बन जाएगी। एक औरत ने पूछा अगर किसी की दो बेटियां, तो आपने फरमाया दो भी। तो इसी तरह बच्चों की सेहत की फिक्र करना। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जब निकाह हुआ तो उनकी वालदा को बड़ी फिक्र थी कि वो कमजोर है, तो वो मुख्तलिफ टोटके करते रहती थी कि इनका जिस्म किस तरह मोटा। तो बिलाकर उन्होंने ककड़ी और खजूर को मिला के खिलाया तो अच्छी खासी मोटी ताजी हो गई, शादी के काबिल हो गई। इसी तरह हजरत अस्मा कहती है मैंने कहा कि जाफर के बेटों को नजर लग जाती है, बीमार हो जाते हैं, क्या मैं इनके दम कर लिया करूं? तो आपने फरमाया हाँ, क्योंकि अगर तकदीर से कोई चीज सबकत ले जाती या ले जा सकती तो वो नजर है। छोटी मोटी हर माँ को छोटा मोटा डॉक्टर भी होना चाहिए, तिब्बे नबी का इल्म होना चाहिए, ताकि छोटी छोटी तकलीफों में डॉक्टर के पास ना भागना पड़े, इस इल्म को बकायदा सीखे और बच्चों का इलाज घर में करे। पहली माया जो होती थी दादियां नानियां वो ऐसे ही करती थी। फिर इसी तरह बच्चों को ऐसे इलाज से बचाना चाहिए जिसमें तकलीफ हो,
इसके बारे में हजरत उम्मे कैस कहती है कि मैं अपने बेटे को लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई जबकि मैंने गले की बीमारी की वजह से उनका तालू दबोचा उसको गले वो अंदर रुदूरी डाल के तो गले को दबोचते गले पड़ गए तो कहते गला चढ़ाने तो आपने फरमाया इसको हलक दबा के क्यों तकलीफ दे रही उधर हिंदी को यानी कुछ को लाजम कर लो इसमें सात बीमारियों की शफा है इनमें से एक सीने का दर्द है अगर हलक की बीमारी हो तो उसको नाक में डालो अगर सीने का दर्द हो तो मुंह की एक जानब डालो फिर इसी तरह बच्चों को मुकम्मल तवज्जो देना उनकी तरफ उनके ऊपर नजर रखना उनको तौहीद सिखाना सबसे पहला सबक जिस चीज का माँ को देना चाहिए मोमिन माँ को अपने बच्चों को वो तौहीद का सबक है अल्लाह ताला की पहचान अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह कोई छोटी छोटी जरूरत भी बच्चे की तो उसे ये ना कहे कि अपने अब्बा से कहो उससे कहो अल्लाह से मांगो ताकि उसको जिंदगी भर के लिए आदत पड़ जाए कि उसने अल्लाह ही से मांगना है और फिर लोगों के पास जाना है फिर इसी तरह यह है कि अल्लाह का डर भी पैदा किया जाए मोहब्बत भी पैदा की डर भी पैदा किया क्योंकि ये दोनों चीजें बैलेंस होती है तो तरबियत होती है उनको एहकाम सिखाने चाहिए कौन माँ एहकाम सिखा सकती है जिसको खुद पता होंगे जिस माँ को खुद मसायल ना पता हो तहारत के बच्चों को क्या सिखाएगी तो माँ के लिए अच्छी माँ जो होती है मिसाली माँ जो होती है वो इल्म हासिल करती है वो सारी जिंदगी कुछ ना कुछ सीखती रहती है क्योंकि वो बच्चे की मौलमा है माँ की गोद पहला मदरसा है पहला स्कूल जो कुछ वो वहां सीखता है वो किसी और से नहीं सीख सकता तो इसलिए शुरू से ही इबादात की तरफ तवज्जो नमाज 7 साल की उम्र में 10 साल की उम्र में नमाज ना पढ़े तो सख्ती की जाए फिर इसी तरह साथ इबादत में शामिल किया जाए छोटे बच्चों को खुद अगर आप पढ़ रहे नमाज पढ़े तो साथ खड़ा कर लें कुरान पढ़ रहे बच्चे कहते हैं ना अपना कुरान हमें दे दो तो दे दे आप उस तरह का एक और अपने पास रखे वो आप पढ़े क्योंकि कुछ माए कहते नहीं नहीं ये मेरा है मैं तुम्हें दे तुम बेदबी करो नहीं बच्चों को अदब सिखाए लेकिन कुरान से दूर ना करें उन्हें पढ़ने दें फिर इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी औरतों को रोका नहीं कि वो मस्जिद में बच्चों को ना लेकर आए हमेशा करें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज मुख्तसर कर दिया करते थे अगर बच्चा रो पड़ता कि कहीं बच्चे की माँ को तकलीफ ना हो लेकिन इससे नहीं रोकते थे कि इसको लाइव हो इसको बाहर निकालो क्योंकि बच्चे साथ शरीक होंगे तो वो कुछ सीखेंगे ना छोटे होते में बचपन में जो कुछ बातें जहन में पड़ जाती है वो बड़े होकर मुश्किल से सीखी जाती है अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं जब नमाज के लिए खड़ा होता हूँ तो चाहता हूँ नमाज लंबी कर दूं लेकिन किसी बच्चे के रोने की वजह से फिर मैं उसको मुख्तसर कर देता हूँ कि माँ को मशक्कत में मुब्तला न करो फिर इसी तरह सहाबियात के बारे में ये भी मिलता है कि वो छोटी उम्र में बच्चों को रोजे रखवा देते थे और उनको बहलाने के लिए ऊन की गुड़िया उनको देते थे लेकिन रोजा रखवा देते छोटी उम्र से रोजा इसी तरह हज पे साथ ले जाना उम्रे पे साथ ले जाना ताकि वहां जाकर भी कुछ तरबियत की जा सके ईमान दिल में पैदा हो और उसके लिए हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत अलविदा किया तो एक औरत आपको मिली और उसने एक छोटा बच्चा उठाया हुआ तो उसने आगे करके कहा कि क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इसके लिए हज है आपने फरमाया हाँ और तुम्हारे लिए अजर है तुम इसको उठा के करो अजर तुम्हें मिलेगा लेकिन इसका भी हज हो जाएगा फिर इसी तरह ईद की नमाज में लेके जाना ईदगाह में लेके जाना फिर आदाब सिखाना घर में दाखिल होने के कमरे में दाखिल होने के छोटी छोटी चीजें फिर बच्चों को राजदारी सिखाना कि हर बात नहीं दूसरे को बताते घर की बातें बाहर नहीं बताते हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम थे तो एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको किसी काम के लिए भेजा तो उनसे किसी ने पूछा कि आपने किस काम के लिए भेजा तो उनका कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज है मैं किसी को नहीं बता सकता माँ को पता चला तो उन्होंने खास तौर पे तलकीन की कि आपका राज किसी को नहीं बताना ये आदतें ये अखलाक ये चीजें बचपन से
बच्चों के किरदार कैसा होते, और हमारा हाल क्या है। वो दादी पूछती तो मेरी माँ क्या कर रही थी, क्या पका था तुम्हारे घर में, माँ पूछती दादी क्या कर रही थी, घर में कौन आया। छोटी छोटी चीजों में बच्चों का इस्तेमाल करते हैं, उनको टूल बना लेते हैं और उनकी आदतें खराब करते हैं। अब वो उनको भी आदत हो जाती फूट डलवाते फिर घरों में। फिर इसी तरह गलत मामला देखकर इस्लाह करना। एक मरतबा हजरत आयशा ने सफिया उम्मे तलहा तलहात के यहाँ क़याम किया, देखा कि कुछ बच्चियां जो बालिग हो रही हैं दुपट्टे के बगैर नमाज पढ़ रही। तो उन्होंने कहा कि कोई बच्ची दुपट्टे के बगैर नमाज न पढ़े, क्योंकि बाजू का काम बच्चों को देखते वो सही आदाब को फॉलो नहीं कर रहे होते, तो हम कहते बच्चे ही है ना चलो जैसे भी खड़े, कि उनको स्कार्फ ओढ़ना, दुपट्टा ओढ़ना, टखने ढांपना, पूरी तरह सतर का इंतजाम करना, ये शुरू से ही सिखा देना चाहिए। वुजू कैसे करना है ताकि बगैर वुजू की कोई नमाज ना पड़े। एक खातून ने मुझे बताया कि वो अपने बच्चे को कहती थी अच्छा नहीं वुजू तब भी आ जाओ मेरे साथ नमाज पढ़ो, कहते वो इतना बड़ा हो गया अब उसको वुजू की आदत नहीं पड़ी, मैं क्या करूं। तो गलती तुम्हारी कि तुमने शुरू से क्यों उसको बगैर वुजू नमाज पढ़ने दी। फिर इसी तरह बनाना कहती है जो हजरत अब्दुर्रहमान बिन हसान की बांधी थी कि मैं हजरत आयशा के पास थी, एक लड़की उनके पास आई जिसके पांव में घुंघरू बंधे हुए थे और वो आवाज पैदा कर रहे थे। तो हजरत आयशा ने फरमाया तुम हर किसी हमारे पास दाखिल हो, हमारे घर में ना हो घुंघरू पहन के, या इनको काट दो, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि रहमत के फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जहां गंदगियां होती। अब हमारे मोबाइल से कैसी कैसी गंदगी, गानों की घंटियां और घंटियां बज रही होती है, तो बेहतर यही है कि ऐसी टोन्स बनाई जाए। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऑप्शन है कि जिसमें घंटियां ना हो। फिर इसी तरह यह है कि माँ सारी जिंदगी तरबियत करती है, यानी कि छोटे बच्चों की तरबियत और बात पे खत्म, जवान भी हो जाए तब भी उनका पीछा करती है और करना चाहिए। फिर इसी तरह तरबियत में अगर कभी सख्ती करनी पड़े तो बेदरेग नहीं मारना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी औरत और बच्चे पे हाथ नहीं उठाया। कभी अगर मारना भी पड़े तो मुंह पे ना मारा, चेहरे पे थप्पड़ ना मारा जाए। एक और अहम बात जो सब माएं पल्ले बांध ले, अक्सर लोग मुझसे पूछते बच्चों की तबीयत के लिए क्या करना चाहिए। मुख्तसर सी बात, जो आप चाहते हैं कि वो करे वो करके दिखाएं, उनको रोल मॉडल बने। जो चीज उनसे करवानी है ना पहले उन्हें करके दिखाएं। घर के काम उसके लिए, बाहर के काम तो उसके लिए, दीन के काम तो उसके लिए, कुछ भी। अगर आप चाहते बच्चा सच बोले तो कभी झूठ ना बोले, वो भी सच्चा हो जाएगा, उसको पता है झूठ नहीं बोले। एक दफा एक साहबिया ने अपने बच्चे को बुलाया, जरा मैं चीज दो तुम्हें। तो कहते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ फरमा। तो उन्होंने पूछा कि तुम क्या देना चाहती हो बच्चे को, तो मैं खजूर देना चाहती हूँ, और मैं अगर तुम कुछ ना देती तो तुम्हारे लिए झूठ लिखा जाता, नहीं बच्चों से भी गलत बयानी करने की इजाजत है। फिर इसी तरह बच्चों के दरमियान अदल करना, इंसाफ से काम लेना, कुछ देने के मामले में, मोहब्बत के मामले में, ये होता है कुछ बच्चे ज्यादा अच्छे लगते हैं दूसरों की रिस्मत, लेकिन दूसरों को एहसास नहीं होना चाहिए। फिर इसी तरह उनकी तालीम और बेहतरी के लिए कभी उनको अपने से जुदा भी करना, जैसे बच्चे कुछ बड़े हो जाते हैं तो उनको पढ़ने के लिए आगे पीछे भेजना होता है। फिर बच्चों को दीन के लिए वक्फ करना कि वो अपनी जिंदगी दीन की खिदमत के लिए गुजारे, जैसे हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 10 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की थी और बहुत कुछ आपसे सीखा था। फिर नेक मजालिस में लेके जाना, तालीम की मजलिसों में लेकर जाना, बच्चों को दुआएं देते रहे, जब कभी डांटने का वक्त आए तो हिदायत की दुआ करें, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, बस दुआ ना दे, क्योंकि कोई पता नहीं कि उसको कबूलियत की घड़ी हो और वो अगर बस दुआ कबूल हो गई तो फिर क्या होगा, खुद ही तकलीफ होगी। और उसके साथ साथ ये कि बच्चों के लिए दुआ करते रहे, आंखों की ठंडक वाली दुआ तो है ही, इसी तरह उनकी दीनी दुनियावी जरूरियात पूरी होने के लिए उनके जिंदगी में बरकत की दुआ, वरमाबरदारी की दुआ, उनकी इस्लाह के लिए दुआ, नमाज कायम करने के लिए रब्बी जालनी मुकीम अस्सलाता व मिन ज़ुर्रियती, शिर्क से बचने की दुआ, ऐसी औलाद से पनाह जो इंसान के लिए
मुसीबत का बायस बने और इंसान के दीन को बिगाड़ने का बायस बने, तो उससे बचने की भी दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी जिम्मेदारियों को सही मानों में अदा करने की तौफीक दे। वाखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। आखिर में मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी कि वो अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ लाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता।